अपनी बातें रखत हैं अपन और नेताजी से प्रश्न करत हैं। नेताजी का फेविकॉल लगाए का तो चले अपन। आप 12 महीना आदत में आ गो का जो सब जब कोनु दिखाते जब करत हो आप है। अच्छा अच्छा तो नेताजी हमारी जनता के लाने नमस्कार कछु। नमस्ते जनता हूँ, जय बुलेलखंड, जय भारत माँ। तो नेताजी सबसे पहले प्रश्न है हमारो कि आप इतनी बार चुनाव जीते इसकी वजह का है? समय पे हम दारू मुर्गा देते हैं जनता के लिए। तो नेताजी से हमारा दूसरा प्रश्न है कि नेताजी ने अपने क्षेत्र में का विकास करू बता। जहाँ से भैंसियाँ नहीं निकलती हैं वो तो हम लोगों ने सीसी रोड बनवाया है। जहाँ पानी नन्या वो तो हमने पुल बनवाए हैं। नेताजी हमारा फिर से प्रश्न है कि गरीब जनता के लाने इतनो पैसा आता है और गरीब जनता तक नहीं पहुंचत, ऐसो काय? पहले हम तो हमारो तो खाले में फिर बाद में जनता हूँ खोबे हैं। नेताजी हमने सुनी है कि आपने पूरे क्षेत्र भरे की लैट्रिन खाले किए हुए शौचालय खाले जनता के थे, का क्या वो है तमाम? ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, हम तो खा लेते हैं। हम तो पूरा देश खा ले डकार नहीं ले सका। पूरा देश खा ले डकार नहीं ले। हाँ। नेताजी जनता के सामने एक प्रश्न है कि आपने चुनाव के पहले कही थी कि बेरोजगारों के लाने रोजगार दें हैं, इसके बारे में आपका क्या वो चाहत? ये चुनाव में हमने तो गप्पे मार दी थी, अगले चुनाव आए तो फिर गप्पे मार दें हम। आपको क्या वो जो है कि सबरी नेता गप्पे मारा सो आप भी गप्पे मारा और। तो नेताजी अगलो सवाल जो है कि जो जी क्षेत्र में कुटीर आउती हैं जो कौन खे मिलती हैं वो का माध्यम है आप बता। जो उनके पहले से घर हैं हम उन्हों देते हैं। और जो उनके ते नैया घर नहीं देते हैं? नहीं देते, नहीं देते। जो कमीशन दे तो पहले से सो उन्हों भी दे देते हम। तो नेताजी अगला सवाल जो है कि चर्चा आई है कि माता रानी विराजमान हुई है तो उन्हें पंडाल में लगावे की अनुमति है लेकिन 100 आदमों की अनुमति है आवे की, और जो जी आपकी रैली हुई है उनमें तो 1000 आदमियां है, ऐसो काय? हमको का कर ले। बात तो आपने सही कही के कूका कर ले आपको जो तो हमोरों की लाने दिक्कत है, आपको कूका कर ले आप तो 50,000 आदमी आ जाएं। जैसे गावे बजावे बारे जब गाहे बजाएं तो 100 आदमी थोड़ी आउत नेताजी, 1000 आदमी आउत। और जब हमोरे गावे बजावे तुम्हारे मंच पे जे हैं उते भी 1000 आदमी आउत। तो बात तो भाई भाई नेताजी के इतने हमारे गाँ हैं 100 आदमी आ सो इतने तुमने बंदिश लगा दई उते जहाँ तुम हमें बोले होते 1000 वहाँ से उते बंदिश नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात नेताजी जा है कि हमने देखो है कि गरीबी रेखा के कार्ड उनके बने जो गरीब है ही नहीं है नेताजी, मच्छर काट रहे नेताजी, मार दो पूरे गरीब तो मारे डाल रहे आप लोग मच्छर और मार डालो सुन ले। तो क्या है नेताजी जो गरीब है ही नहीं है उनके गरीबी रेखा में नाम है, जिनके पहले से भंडार भरे हैं उनके राशन कार्ड बने हैं उनके राशन मिल रहा है, इसके बारे में नेताजी का कहवो है आपको? हम गरीब आदमियों के संगे नहीं है, हम बड़े आदमियों के संगे हैं। भैया सुन ली यही हाल है नेताओं के। और चेचे न्यूज में आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थलिया नेताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो चाहे पार्टी से। और नेताजी चलत चलत अगर आप कछु के वो चाहत हो मैं जनता से तो बोल दो। ऐसे नेता जताओ और समय पे दारू मुर्गा पाओ।
भैया जी हते ठलिया नेता तो ई इंटरव्यू से जो ज्ञान मिला थे कि भैया दारू मुर्गा के भरोसे वोटिंग ना करो, क्षेत्र में ऐसो नेता लाओ जो आपकी सोचे, आपको काम करे, आपको अपनों बन के रहे। ध्यान रखी ये बात को, ई इंटरव्यू से कोनो को दिल दुखावो मतलब नहीं है, एक थोड़ी सो आपके लाने आभास कराओ जा रहा है। बाकी आप लोग की इच्छा है, जनता भगवान है, आपका बुरा लगो हुए तो हम हाथ जोड़ कर क्षमा मांगते हैं। चैचे न्यूज से हम जित्तू खरे फिर आपसे मुलाकात हुई है। जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय भारत माता।